Welcome dear students in SKS English classes once again. Dear students, we have discussed about three indefinite tenses and three continuous tenses in very well way. Dear, today we will discuss about present perfect tense. I mean to say, today we will discuss about perfect. Look here. Perfect. Perfect का मतलब होता है पूर्ण. Dear students, अपना जो टॉपिक है वो है टेंस. टेंस में तीन तीन छह होने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट तीसरा जो भाग है perfect वो सीख रहे हैं. हम लोगों ने सिंपल के तीनों सीख लिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस. हम लोगों ने कंटिन्यूअस के तीनों सीख लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट परफेक्ट प्रेजेंट प्रेजेंट perfect tense. Present perfect tense. Present perfect tense का हिंदी मतलब होता है वर्तमान. वर्तमान पूर्ण काल. Dear students, वर्तमान में जो भी काम पूरा हो चुका है, जो भी काम पूरा हो चुका है उस टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है, यानी कि हम लोग इसको जानते हैं. डियर स्टूडेंट्स, कोई भी काम जो पूरा हो चुका है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो हिंदी पहचान है, हिंदी पहचान, हम लोग इसे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है. तो आइए मैं आपको बताता हूं. हर टेंस की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज होती है, पहचानने का तरीका होता है, इसे हिंदी पहचान कहा जाता है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हिंदी पहचान है वो है चुका है, यूज फॉर सिंगुलर मेल, चुकी है यूज फॉर सिंगुलर फीमेल, चुके हैं यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट. डियर, सो वी कैन से दैट हियर इज हिंदी आइडेंटिफिकेशन, चुका है, चुकी है, चुके. डियर, हियर डिफरेंट ऑक्सिलियरी वर्ब वी विल यूज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड लेंगे, ये हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेंगे. सेकंड थिंग प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. Dear students, हम लोग have helping verb के रूप में लेंगे. अब हमें पता है कि काम पूर्ण हो चुका है, यानी काम complete हो चुका है, तो verb की third form लेंगे. Dear students, I have many times talked about the verbs. There are three major parts of the verb. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. लाइक गो, वेंट, गॉन. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. राइट,
रॉट रिटन। इस प्रकार से सभी जो वर्ब्स होती है उनके तीन रूप होते हैं, वैसे पांच रूप होते हैं, चौथा रूप आईएनजी वाला होता है और पांचवा टू गो वाला होता है, लेकिन मेजर थ्री पार्ट्स ऑफ जो वर्ब है, अपने जो क्रिया के जो रूप हैं या वर्ब है वो खास महत्व रखती है, गो वैन गॉन। ये ज्यादातर फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है जो हम पढ़ चुके हैं। पास्ट जिसे हम बी टू कहते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी हमेशा पास्ट इनडेफिनेट टेंस में यूज होती है। अब जो थर्ड है, थर्ड जो फॉर्म है वो अब परफेक्ट टेंस में यूज होगी। डियर स्टूडेंट्स, वो परफेक्ट टेंस चाहे कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, बिना थर्ड फॉर्म के कभी भी परफेक्ट टेंस नहीं बनता है। कीप इन माइंड दिस थिंग इन वेरी वेल। सो आई सी दैट यूज वर्ब्स थर्ड फॉर्म विथ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ मतलब थर्ड फॉर्म ही लेनी है, ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। बाकी तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो हैच लेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव लेंगे। ओनली डिफरेंस केवल हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब में है, बाकी थर्ड फॉर्म तो सबके साथ लेनी चाहिए, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, एज ए प्रेजेंट परफेक्ट हो, एज ए पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, हाउ कैन वी मेक सेंटेंस। स्ट्रक्चर किसी भी वाक्य को बनाने के लिए मैंने आपको कई बार बताया कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कीप सब्जेक्ट हियर। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन टेक हैज, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल टेक हैव। अकॉर्डिंग टू रूल आई हैव डिस्क्राइब्ड ऑन द बोर्ड वी मस्ट टेक द वर्ब्स थर्ड फॉर्म बिकॉज द टेंस इज परफेक्ट हियर। After object subject has a verb की third form object, फिर हम लोग लेंगे EDC यानी etc, जो भी अपने पीछे बचता है उसको लेंगे। There आइए अब एक example से हम लोग समझे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट टेंस में कोई भी काम पूर्ण हो चुका होता है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार डियर स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सिंगुलर के साथ हैज लेंगे, प्लूरल के साथ हैव लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हम एक्सेप्ट्रा डाल के फुल स्टॉप लगा के पूरी सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। आइए एग्जाम्पल से हम लोग विस्तृत रूप से समझिए, आराम से समझिए कि कैसे बनता है सेंटेंस। मैं अपना काम पूर्ण कर चुका हूँ, मैं अपना काम पूर्ण कर चुका हूँ। Dear students, when we see this sentence, then we can find the first subject पूर्ण कर चुका हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, आईडी भी है, टेंस की पहचान भी है चुका हूँ, अपना काम
ऑब्जेक्ट एंड ऑलमोस्ट वी हैव फाउंड द होल पार्ट ऑफ प्रोसेस इज हियर. नाउ वी विल ट्रांसलेट इट. मैं आई आई वी यू दे I, we, you, they. इन तीनों को प्लूरल माना जाता है. सॉरी चार है, चारों को प्लूरल माना जाता है. I, we, you, they. डियर स्टूडेंट्स इनके साथ इस टेंस में have helping verb लगाई जाएगी. तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो है वो आई मैं के लिए आया है और अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग हैव लेंगे हेल्पिंग वर्ब. आई हैव. फिर इसमें हम लोग वर्ब देखेंगे कि वर्ब कौन सी है. तो वो है पूर्ण करना. पूर्ण करना को इंग्लिश में कंप्लीट बोलते हैं और कंप्लीट की जो थर्ड फॉर्म है वो है कंप्लीटेड. आई हैव I have completed. फिर मैं अपना काम पूर्ण कर चुका हूं. तो अपना यानी my. I have completed my work. काम को बोलते हैं work. I have completed my work. Dear students, मैं अपना काम पूर्ण कर चुका हूं. हमें बताता है कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है. यहां पर अगर चुका था होता तो पास्ट परफेक्ट होता. यहां पर अगर चुका होगा होता तो फ्यूचर परफेक्ट होता. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. फिर यहां पर सब्जेक्ट मैं है तो हमने आई ले लिया. फिर इसके अनुसार हैज और हैव. हैज मोस्टली सिंगुलर के साथ यूज होती है. ही सी इट एनी नेम के साथ. I, we, you, they जो प्लूरल माना जाता है उसके साथ have यूज होता है. तो हमने have ले लिया. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पूर्ण करना कंप्लीट और कंप्लीटेड. फिर my work. I have completed my work. इस प्रकार से ये इसका affirmative सेंटेंस बन गया. आइए अब इसके तीन और भाग पर ध्यान दें. एफर्मेटिव के अलावा बाकी के मोस्टली फोर पार्ट्स होते हैं. एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव. हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसको सीख लिया था. प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट और फ्यूचर इंडेफिनाइट के बारे में विस्तार से इसके बारे में सीख लिया था. डियर स्टूडेंट्स अब हम प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है अपना उसका हम लोग नेगेटिव पार्ट की ओर ध्यान देंगे. नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक. नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक. मैं अपना काम पूर्ण कर चुका हूं. अफर्मेटिव है. अब नेगेटिव में जब आएगा तब होगा मैं अपना काम पूर्ण नहीं कर चुका हूं. नहीं आती निषेधात्मक होता है यानी कि वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है. डियर स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर देखें. डियर इसमें कुछ नहीं करना है. जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे हैज और हैव उसके साथ केवल नॉट लगाना है. नॉट लगाने के बाद अपने आप ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा. सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे. सिंगुलर के साथ हम लोग हैज नॉट लेंगे. इन केस ऑफ प्लूरल वी विल टेक हैवन यानी हैव नॉट. वी विल यूज वर्ब थर्ड फॉर्म. आफ्टर ऑब्जेक्ट and in the last we will say except Raj, mean to say etc.
सब्जेक्ट हैज नॉट हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखें, वह अप वो वाली दे देते हैं अफर्मेटिव वाला, मैं अपना काम पूर्ण नहीं कर चुका हूं, मैं अपना काम पूर्ण नहीं कर चुका हूं। What is difference between affirmative and negative? We can say easily. Here we are looking nahi in English, not. So we will translate it according to our structure. Subject, I, helping verb am, साथ में लगाएंगे not. I have not completed, थर्ड फॉर्म लेंगे completed my work. Dear students, ये बन गया अपना नेगेटिव, मैं अपना काम पूर्ण नहीं कर चुका हूं, I have not completed my work. ये इसका नेगेटिव रूप है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपको एफर्मेटिव के 10 सेंटेंस अपने मन से बनाने हैं और 10 सेंटेंस नेगेटिव के बनाने हैं। उसके बाद मुझे आप पर्सनल व्हाट्सएप पे आप अपने आंसर्स भेजिए, मैं उन्हें क्रैक इन क्रैक देखकर आपको वापस बताऊंगा कि किस प्रकार से आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब इसका जो तीसरा भाग है डियर स्टूडेंट्स, तीसरा जो भाग है वो है इंप्रूवमेंट। तीसरा जो भाग है वो है इंट्रोगेट। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव, व्हाट इज इंट्रोगेटिव? व्हेन वी आस्क एनी क्वेश्चंस इन एनी सेंस, इट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव। जब भी हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे क्वेश्चंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरे वे क्वेश्चंस होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाले सीख रहे हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है। तीसरा जो इसका भाग है अफर्मेटिव नेगेटिव अब है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्न वाचक। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बनेगा, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, यानी कि आगे लेंगे हम लोग क्योंकि क्वेश्चन से कोई भी प्रश्न हेल्पिंग वर्ब आगे लेने से बन जाता है। जैसे आई एम बॉय, अब एम को आगे लीजिए, एम आई बॉय, क्या मैं लड़का हूँ, आई हैव ईटन, हैव आई ईटन, तो इस प्रकार से आप समझ ले कि हेल्पिंग वर्ब आगे लेने से क्वेश्चंस बनता है। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर हम लोग एक्सेप्ट्रा लेंगे और फिर इंट्रोगेटिव सिंबल। इसका विशेष ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क यहाँ लास्ट में आएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आएगा। डियर स्टूडेंट्स, टेक एग्जांपल, मैं उसी सेंटेंस को वापस रिपीट कर रहा हूं जो हम कर रहे थे, तो अब ये प्रश्न में बनेगा, क्या मैं अपना काम पूर्ण कर चुका हूं, फिर क्वेश्चन मार्क। हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में आ रहा है,
डियर स्टूडेंट्स इसीलिए आ रहा है क्वेश्चन मार्क, बिकॉज यह एक वे टू आस्क ऑफ क्वेश्चन है, प्रश्न पूछने का तरीका है कि क्या मैं अपना काम पूर्ण कर चुका हूँ, वो अपने को पूछ रहा है। अगर कर चुका है तो यस यू हैव कम्प्लीटेड योर वर्क, एंड नहीं किया है तो नो यू हैवंट कम्प्लीटेड योर वर्क। डियर स्टूडेंट्स तो ये बनेगा हैव आई completed my work, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स ये इंट्रोगेटिव है, अगर यहाँ पर सिंगुलर होता कि क्या उसने अपना काम पूर्ण कर चुकी है, क्या वह अपना काम पूर्ण कर चुकी है, तो has she completed her work आता। लेकिन यहाँ पर आई वी यू दे मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, बाकी सभी के साथ हैज लगता है। इसका जो फोर्थ पार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट एंड फाइनल जो पार्ट होता है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रश्न तो पूछना है लेकिन नकारात्मक तरीके से, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। या हम लोग देखेंगे कि has have सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, फिर वर्ब्स की थर्ड फॉर्म आई, फिर ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा और क्वेश्चन मार्क लगाया। अब देखिए हम इसके ही बनाएंगे, क्या मैं अपना काम पूर्ण कर चुका हूँ, have I completed my work, इसका नेगेटिव बनाना है कि क्या मैं अपना काम पूर्ण नहीं कर चुका हूँ, तो इसका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा वो बनेगा ऊपर रख दो ये देखिए इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, इस साइड have हम लोग सीख रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। have I not completed, have I not completed my work और क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से लर्न कर लिया है। इसके फोर पार्ट्स मैंने बताए, एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आई होप एवरीबॉडी यू लर्न वेरी वेल फ्रॉम मी, थैंक यू वेरी मच, लिसन मी एंड वॉच मी वेरी केयरफुली, वी विल मीट न्यू टॉपिक टुमोरो, थैंक्स लॉट।